नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद आज दूसरी बार रायबरेली पहुंचे, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बछरावा के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों से मुलाकात के बाद वो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मिले, जहां मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमान की मां ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार यानी आज अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का ये पहला संसदीय क्षेत्र का दौरा है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। ये परिवार यूपी के देवरिया का रहने वाला है। शहीद अंशुमान को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मिल चुका है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकली शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। इस पर राहुल ने उन्हें कहा कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए शहीद की मां ने कहा कि राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके बारे में सोचते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने पारिवारिक जानकारी देते हुए कहा कि शहीद अंशुमान उनके बड़े बेटे थे, अभी उनकी एक बेटी और बेटे छोटे हैं जो पढ़ रहे हैं। मंजू सिंह ने बताया कि राहुल गांधी को उन्होंने कीर्ति चक्र हासिल करते समय राष्ट्रपति भवन में देखा था। रुक जाओ भैया, कट ले लो। माँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर ये है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली करते हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है, मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पर भी डिस्कस करने आई थी, मुझे मौका मिला तो फौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस अहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी, वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं, वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं। क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो एकदम ये नहीं कि डिनाई हो जाता है, वो होता है। अभी भी जो भी हम किए हैं वो दे रहे हैं, चाहे योगी जी या राजनाथ जी, पॉजिटिव ही मिलता है। मंजू, एक सवाल ये पूछना था कि आज राहुल जी से मिलने की वजह, मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ, मैं सोची राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मैं मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने हैं तो मैं थोड़ा बात करूँ, और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी तो हमें बुलाया गया, और ये रिस्पेक्ट सर आँखों पे। बहुत बहुत धन्यवाद से हैं, और मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए, लेकिन बाहर से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया थी राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात किए हैं, इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है ये? फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। वो अगर वो विपक्ष में भी हैं तब भी वो तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, अगर पक्ष में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे, जो कि थोड़ा डाउन है फौज का। तो फौज को लेकर के क्या क्या है वो? ज्यादा फौज का ही बात डिस्कस किए, क्योंकि वो फौज के ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। मैम, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, और जो बड़े बेटे थे अंशुमान सिंह, ये सबसे बड़े थे। जी जी, अभी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी है वो BDS कर रही है और बेटा MA कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर है। आपका नाम क्या है? मंजू सिंह।
आपको बता दें कि अभी हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जाहिर है कैप्टन अंशुमान सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई 2023 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में अंशुमान सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के कैप्टन थे। सियाचिन में अपने साथियों की जान बचाते हुए वो शहीद हो गए थे। सरकार ने उनकी वीरता और शहादत को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सीएन न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।